ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द शंघाई कनाइट गेमिंग। भाई इस बार तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस बार भाई हम लोग नया गेम खेल रहे हैं। क्योंकि इस बार कोई यूनिक गेम खेलने का मन था भाई, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्ले स्टोर में सर्च मारा और मुझे एक गेम मिला, फ्लिप फॉर द ग्रैनी एंड द ग्रैंडपा। हम लोगों ने भाई बहुत ज़्यादा इसकी हम लोग को जो है भाई ग्रैनी ग्रैंडपा जो खेले हैं हम लोगों ने, उसमें हम लोगों को स्किप करना था। लेकिन इस बार हम लोगों को भाई ग्रैंडपा या ग्रैंडपी सेंड्रिना बनकर भाई जो बच्चा स्किप करेगा उसको रोकना होगा। इस बार तो भाई बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है सच में। और जो जो लोग नए आ गए हो प्लीज़ जाकर नीचे सब्सक्राइब कर देना और नीचे से एक प्यारा कमेंट जरूर कर देना भाई। ओके भाई, ऑल राइट, और चलो चलते हैं प्ले करते हैं। और मैं पहले बनूंगा प्यारी प्राणी अपनी ग्रैनी आंटी। तो भाई ये रहा उनका हथियार ब्रह्मास्त्र, और स्टार्ट करता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस बार। ओके भाई, नाइट वन जो है स्टार्ट हो चुका है हम लोगों का। और प्यारे बच्चों, आखिर कहाँ चले गए सारे बच्चे? बच्चे तो इस बार ये रहा इनका व्हील साइकिल भी दादी जी का, तो इसे छोड़ो। और ग्रैनी दादी, आप यहाँ हो? आप यहाँ भी नहीं हो, आपका यहाँ हो आई मीन कि, अरे सॉरी, हमें तो बच्चे को ढूंढना है ना। मैं ग्रैनी आंटी को कहाँ बुला रहा हूँ, क्योंकि ग्रैनी तो हम खुद हैं। ग्रैनी दादी, आप चला जल्दी चलिएगा। और इस वाले रूम में प्यारे बच्चों, लुका छुपी खेलना बंद करो, क्योंकि ग्रैनी का उम्र, आई मीन कि ग्रैनी दादी का उम्र हो चुका है, तो वो चल नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ धीरे धीरे चलिएगा। तो इसे छोड़ो, बेकार कमेंट्री है। आप यहाँ हो? यहाँ भी नहीं हो। प्यारे बच्चों जल्दी आ जाओ, क्योंकि आंटी अपनी ग्रैनी दादी है, खीर खिलाएंगे आप लोगों को, तो खीर नहीं खाना आप लोगों को, जल्दी आ जाओ। छोड़ो भाई, मैं क्या बोले जा रहा हूँ कुछ मुझे पता नहीं। आप यहाँ हो? यहाँ भी कोई नहीं है, और यहाँ तो कोई भी नहीं है। ग्रैनी दादी बहुत ज़्यादा इन्जॉय में है, क्योंकि हम इस बार ग्रैनी बने। ओ भाई ये रहा, ओ अभी इसकी भैंस कटा अभी। ओ भाई साहब अभी, अरे भाई साहब, अरे अब मैं देखो, आप छुपने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम आपको ढूंढ लेंगे और आप इसे बच कर नहीं जा पाओगे। मुझे पता है कि आप यहाँ आए हो। वन सेकेंड, वो यहाँ नहीं है भाई, वो लगता है वो स्केप कर गया। अरे आप इस बार, ओ भाई साहब, अरे भाई उसने इसकी भैंस की टांग। जल्दी चल जल्दी ग्रैनी दादी जी, आप जल्दी नहीं चल रहे हो, गलत बात है। वो मुझे लगता है भाई इस बार वो सच में स्केप कर लेगा, क्योंकि अपनी दादी जी बहुत धीरे धीरे चल रहे। और अभी इसकी भैंस की टांग। अरे भाई, वो भाई साहब वो फिर से ऊपर चला गया। आपको अगर याद होगा तो शायद ऊपर भी ना एक स्केप करने के लिए होगा गाइस, जो मुझे शायद यहाँ है बट यहाँ नहीं है, शायद वो ऊपर है। भाई मैं ऊपर चलता हूँ जल्दी जल्दी। और ग्रैनी दादी जी तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, कि यहाँ है, और आप यहाँ नहीं, यहाँ चलो। यहाँ भी कोई नहीं है, और यहाँ तो कोई भी नहीं, क्योंकि भाई वो नीचे है, नीचे नीचे। ग्रैनी दादी आप जल्दी चलिए, अभी हट। ग्रैनी दादी जी जल्दी चलिए प्लीज़। ग्रैनी दादी जी इतने जल्दी जल्दी चल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि समय इनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो ग्रैनी दादी को छोड़ो, आई मीन ग्रैनी दादी तो हम खुद हैं। तो वो बच्चा प्यारा मन का सच्चा आखिर कहाँ चला गया, ऐसे कहाँ चले गया? भाई साहब यार, वो फिर से छुप गया। आप यहाँ हो? अरे भाई आप यहाँ हो, आप इस बार पक्का बच नहीं सकते। आप अभी इसकी भैंस की, अरे भाई साहब हर बार निशाना छूट गया भाई। भाई लेकिन इस बार अब तो नहीं बचेगा भाई, हर हालत में अब। अबे ओ भाई, अभी भी भाई, अरे भाई साहब, अरे भाई तो एग्जिट स्टॉप। अरे भाई भाई भाई, अभी इसकी भैंस की टांग। अरे भाई, ओ भाई, अभी एक खतारी। अरे ओ भाई साहब यार, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया भाई। ओ भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसे छोड़ो, फिर से ट्राई करते हैं। और हट, नाइट वन। आखिर वो हमारे ग्रैनी पा अंकल की गाड़ी में, जो कि पूरी तरह से खतारा हो चुका है भाई, स्किप कैसे कर सकता है यार। लेकिन इस बार नहीं भाई, इस बार चाहे कुछ भी होगा,
मैं तो स्किप करने नहीं दूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम ग्रैनी हैं और ग्रैनी किसी से नहीं डरती। लेकिन आप जल्दी नहीं चले, ये आपकी गलती है। प्यारे बच्चों, आपको मैंने फिर से देख लिया, अब छुपने का आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बार मैं ज़रूर आपको पकड़ लूँगा। आप यहाँ तो नहीं, नहीं यहाँ नहीं हो, और ओ भाई आप तो बुरी तरह कैद हो गए। अभी आप बिल्कुल बच नहीं सकते, क्योंकि इस बार अभी इसकी भैंस की टांग यार। अरे भाई थोड़ा धीरे भाग यार। ओ भाई साहब यार, इस बार तो शायद बहुत ज़्यादा बुरे फंसे, और यहाँ तो ऐसा लगता है फिर से भाई इस बार तो मैं अभी ग्रैनी दादी आप जल्दी नहीं चल रहे, आप जल्दी चलिए प्लीज़, आप जल्दी चलेंगे हट। और भाई ओ भाई साहब फिर, अबे यार, अरे भाई साहब तीन तीन मौका, ओ भाई साहब अबे ये क्या हुआ भाई फिर से यार। इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, अबे यार ये हो क्या रहा है भाई इसके भैंस के साथ। अब तो मैं भाई कुछ भी चाहे ग्रैनी नहीं बनने वाला, अब तो मैं ग्रैंडपा बनूंगा भाई। ग्रैंडपा अंकल बहुत ज़्यादा फास्ट है, सॉरी दादी जी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं, आप जल्दी नहीं चलते, ये आपकी गलती। दादी जी तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, मुझे लगता है कि वो इस तरफ आया है, तो मैं इस तरफ चलता हूँ। मुझे पैरों का आवाज़ कहीं कैसे आ रहा है, बट यहाँ से नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो और भी कोई नहीं है। ओ भाई साहब यार, ऐसा लगता है फिर से अपना ना क्यूटी क्यूटी भाई, ऐसा लगा मुझे मैंने किसी को देखा। ग्रैनी दादी ये आपकी गलती, आप जल्दी नहीं चलते। ओ भाई फिर से कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप एक बार बैठ, इस बार सोचे कि इस वाले खतारे कार पे आखिर, सॉरी ग्रैंडपा, बट इस खतारे कार पे वो बस कैसे सकता है यार। छोड़ो ग्रैनी दादी बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस बार, ग्रैनी दादी बहुत ज़्यादा गुस्से में लगते हैं आप, लेकिन ग्रैनी दादी बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, क्योंकि इस बार हम खुद ग्रैनी बने हुए हैं तो खुश तो होंगे ही भाई। तो इस बार मैं अब तो अभी एक बार पड़ जा, अभी वो नीचे जा रहे नीचे, इस बार भाई मैं एस्केप करने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कहाँ चला गया, यहाँ शायद यहाँ नहीं, यहाँ तो और भी नहीं भाई, ये मैंने यहाँ जांच पड़ताल करने, और नीचे तो बिल्कुल भी नहीं गया होगा। बे यार फिर इसकी भैंस की टांग, फिर से भाग जाएगा। ओ भाई साहब यार, ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ज़ोर से लगा यार शायद। ओ भाई यार नाइट टू, ग्रैनी जी ने तो कमाल कर दिया भाई, फर्स्ट टाइम लेकिन लास्ट टाइम बन गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन इस बार ग्रैनी दादी ने कमाल कर दिया सच में, चाहे कुछ भी हो। और मैं तो भाई इस बार चाहे कुछ भी हो जाए बाहर निकलने नहीं दूंगा। ग्रैनी दादी, ग्रैनी दादी, अभी उनके लिए गाना नहीं गाना, हमें उसी स्किप करने से बचाना है। वो शायद यहाँ नहीं, बट यहाँ नहीं, और यहाँ बिल्कुल भी नहीं, तो वो शायद इस बार नीचे होगा। ग्रैनी दादी, मैं ग्रैनी दादी को उससे कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं, थोड़ा फास्ट चलिए प्लीज़। ग्रैनी दादी कह रहे बेटा मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। सो ओके ओके दादी जी, मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग। दादी आप पियानो बजा सकते हो, नहीं इसे फोड़ सकते हो, आप फोड़ भी नहीं सकते, कोई बात नहीं। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, वो बच्चा इस बार कहाँ चला गया। प्यारे बच्चों मन के सच्चो, आप ऐसे लुकी छुपा खोले खेलोगे तो मैं कैसे ढूंढ। ओ भाई अभी इसकी भैंस की, ओ भाई फिर से ऊपर चढ़ के जा रहा है भाई, अब नहीं बचने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक अभी भाई अभी इसकी भैंस के टांग, आखिर वो भाई ऊपर गुलाटी मारता हूँ और फिर नीचे से चला जाता है, वो आखिर कहाँ चला गया इस वाले रूम में। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं किसकी भैंस की टांग, अब मैं ग्रैंडपा नहीं बनने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो गलत जगह जा चुका है, क्योंकि अब मैं उसे पकड़ लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ग्रैनी जी बहुत ज़्यादा खतरनाक। अबे फिर से वो अंदर चला गया भाई, ग्रैनी जी अब, लेकिन
अबे भरता क्यों नहीं है यार भाई, मैं फिर से वहीं से वहीं और वहीं से वहीं। भाई मैं उसे स्किप करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा चाहे कुछ भी बचाए, और ग्रैंडपा के खराड़ा कार से तो बिल्कुल भी नहीं यार चाहे कुछ भी। अबे यार फिर से बच गया वो, इसकी बहन की टांग यार। अबे यार इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें उससे भगने तो नहीं दूंगा भाई, स्केप करने तो बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि इस बार ग्रेनी का ख्याल है। ग्रेनी दादी बहुत ज़्यादा डरावनी है, वो किसी को बाहर जाने नहीं देती। अबे यार फिर और राइट गाइस, आई होप कि आप लोग को वीडियो जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और इस वक्त नाइट के करीब 2 बज रहे हैं तो मैं चलता हूँ सोने। और राइट गाइस, सब लोग को गुड नाइट, और सुबह मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।